मधुराधिपते रखिलम मधुरम सलिलम मधुरम कमलम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तम श्रीमन्नारायण भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखादमृतद्रव संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक करुणा वरुणालय सच्चिदानंद स्वरूप सर्वांतर्यामिन जगदाधार जगदीश्वर जगत नियंता परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा के फल स्वरूप सप्ताह ज्ञान यज्ञ के चतुर्थ दिवस में आप सब लोग पधारे हैं। कल के सुंदर प्रसंग में प्रह्लाद जी को भगवान एक खंभे में से प्रकट होकर के रक्षा की थी। इस प्रसंग से अपन को यह शिक्षा मिलती है कि परमात्मा सब जगह है। सर्वत्र है। और इससे यह भी सिद्ध होता है कि परमात्मा को प्राप्त करने के लिए बहुत बड़ी आयु वाला ही प्राप्त करे, यह भी कोई जरूरी नहीं कि ज्यादा अवस्था वाला ही भगवत प्राप्ति कर पाता है। कल के प्रसंग में भक्तराज ध्रुव 5 वर्ष की अवस्था में भगवान को प्राप्त किया। प्रह्लाद जी ने 5 वर्ष की अवस्था में भगवत प्राप्ति की है।
तो इससे सिद्ध होता है कि भगवान प्राप्ति करने के लिए कोई बहुत बड़ी आयु वाला व्यक्ति ही प्राप्त करे, ऐसा भी नहीं है। कोई भी किसी भी समय भगवत प्राप्ति कर सकता है। भगवान खंभे से प्रकट हुए हैं, हिरण्यकश्यप का वध करते हैं, भगवान नरसिंह का इतना क्रोध बढ़ गया था, समस्त देवता लोग घबराने लगे कि अब इस पृथ्वी के ऊपर प्रलय होने वाला है। भगवान इतनी देर तक क्रोध करेंगे तो शायद पृथ्वी के ऊपर प्रलय हो जाएगा। समस्त देवता लोग घबरा करके ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी आप भगवान को शांत करो ना, भगवान इतना क्रोध करेंगे तो भगवती पृथ्वी डर जाएगी, पृथ्वी के ऊपर प्रलय हो जाएगा। समस्त देवता और ब्रह्मा जी सब साथ में मिल करके भगवान के नरसिंह भगवान के समीप गए तो भगवान का इतना उग्र स्वभाव देखा, समस्त देवता थर थर कांपने लगे और भगवान से दूर भाग गए। बोले भगवान का ऐसा स्वरूप तो हमने आज तक नहीं देखा। भगवान के इस उग्र स्वरूप के हमारे सामने जाने की हिम्मत नहीं हो रही है। समस्त देवता घबराने लगे तो माता लक्ष्मी जी के पास गए, जाकर के माता से प्रार्थना करने लगे, मां आज हमारे प्रभु ने इतना क्रोध किया है, उस क्रोध को आप शांत करो ना। तो लक्ष्मी जी कहती है क्रोध को शांतों में जाते से ही प्रभु शांत हो जाएंगे। देखो भाई लक्ष्मी जिसके पास चली जाती है तो शांत होता है कि नहीं? कोई बड़े बड़े अधिकारी कभी कोई बात नहीं मानते हैं और थोड़ा सा उनको लालच देते हैं कि इतना लक्ष्मी मिल जाएगी तो नहीं होने वाली बात को भी कर देते हैं, बोले हो जाएगा काम। तो लक्ष्मी कहती है कि मैं जिसके पास जाती हूं सबको मनवा देती हूं, शांत कर देती हूं। आज लक्ष्मी जी देवताओं की बात मनवाने के लिए भगवान नरसिंह के दिव्य स्वरूप के सामने लक्ष्मी जी आई है और जैसे ही लक्ष्मी जी ने भगवान के इस उग्र स्वरूप को देखा तो लक्ष्मी जी तो पसीना पसीना हो गई। भगवान नरसिंह ने जैसे ही लक्ष्मी जी की ओर देखा तो लक्ष्मी जी पसीना पसीना हो गई कि आज तक मैंने ऐसा स्वरूप प्रभु का कभी नहीं देखा, आज तो प्रभु बहुत क्रोध में हैं, बब्बर शेर बनकर के बैठे हैं। लक्ष्मी जी तुरंत दौड़ करके बाहर आ गई। देवता लोग कहने लगे कि माता क्या हुआ, बोले हम तो प्रभु जब शांताकारम में रहते हैं तब ही भगवान के पास रहते हैं, आज तक मैंने भगवान का इस दिव्य उग्र स्वभाव को नहीं देखा, आज तो प्रभु एक शेर बनकर के बैठे हैं। लक्ष्मी जी भी घबरा गई तो प्रह्लाद जी को समस्त देवता कहने लगे, बेटा प्रह्लाद तुम्हें बचाने के लिए ही प्रभु ने अवतार लिया है, तुम्हारी रक्षा करने के लिए प्रभु खंभे से प्रकट हुए हैं, बेटा तुम एक बार प्रभु के पास जाओ तो सही। तो समस्त देवताओं ने प्रह्लाद जी को बार बार आग्रह किया तो प्रह्लाद जी भगवान नरसिंह के सामने जाते हैं। जैसे ही भगवान नरसिंह के सामने प्रह्लाद जी दिखे, भगवान नरसिंह उसी समय अपने सिंहासन से उठे और प्रह्लाद जी को अपनी गोद में ले लिया। जैसे गैया एक बछड़े को चाटती है वैसे प्रह्लाद जी को चाटने लगे। प्रह्लाद जी का मस्त पैर है जो अपने चरण में चरणों को उठा उठा करके बार बार मस्तक पर लगाने लगे, बेटा प्रह्लाद
मेरे आने में विलंब हुआ, तुम्हें कितना कष्ट हुआ। प्रहलाद जी कहते हैं कि प्रभु आप तो सर्वत्र हैं, सब जगह हैं, मेरे को तो सब में आपका दर्शन हो रहा है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हे प्रभु आप तो सब जगह हैं। प्रहलाद, मेरे को आने में विलंब हुआ, तेरे पिता ने तुझे कितना कष्ट दिया। मेरी इच्छा हो रही है कि तुम कुछ मांगो। प्रहलाद जी दिव्य स्तुति करते हैं, प्रभु जो किसी को नहीं दिया वो सब कुछ मैं प्राप्त कर पाया हूं। बड़े बड़े सिद्ध महात्मा कई वर्षों की तपस्या करने के बाद भी आपका साक्षात्कार नहीं कर पाते। प्रभु मैं तो एक राक्षस कुल में जन्मने के बाद भी आपने मेरे पर कृपा करके मुझे दर्शन दिए हैं, मैं तो सब कुछ पा गया हूं। भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई शिक्षा की आवश्यकता नहीं है, अधिक धनवान बनने की आवश्यकता नहीं है। यदि धन के सहारे प्रभु मिल जाते तो धनिक लोग प्रभु को खरीद कर अपने बंगले में बिठा लेते। इसलिए भगवत प्राप्ति के लिए धन की आवश्यकता नहीं है, परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए संपत्ति, शिक्षा या उच्च कुल में पैदा होने की आवश्यकता नहीं। पढ़े लिखे लोग तो ज्यादा कुतर्क करते हैं कि पहले चमत्कार दिखाओ फिर नमस्कार करेंगे। परमेश्वर का व्यवहार प्रथम नमस्कार बाद में चमत्कार है। कलिकाल का मनुष्य पहले चमत्कार मांगता है फिर नमस्कार करता है। चमत्कार के बाद में नमस्कार का अभिमान पढ़े लिखे लोगों को होता है। थोड़ा सोचें समझें तो भगवान तो हर जगह चमत्कार दिखाते हैं। जो पुष्प लगता है उसके अंदर सुगंध कौन भरता है? परमात्मा ही तो भरते हैं, यह भी तो चमत्कार है। बीज एक वटवृक्ष है, माता के स्तन में दूध कौन बनाता है? सारा जगत ईश्वर का एक चमत्कार ही है। आज शिक्षित लोग ज्यादा तर्क करते हैं कि भगवान को भोग लगाया जाता है तो उस भोग में कुछ कम क्यों नहीं होता। अपन सुंदर थाली में भगवान को भोग लगाते हैं, तुलसी दल छोड़ते हैं, जितना भोग सामने पड़ा रहता उतना का उतना ही रहता, कुछ भी कम नहीं होता। शिक्षित लोग ऐसा तर्क करते हैं कि वो कम क्यों नहीं होता, फिर भोग लगाने का तात्पर्य क्या है? अगर भगवान हर जगह खाने लग जाए तो लोग भोग लगाना छोड़ देंगे। भगवान तो बस केवल आपके प्रसाद को एक दृष्टि मात्र देखने से जो आपका भोजन होता है वो प्रसाद में परिवर्तित हो जाता है। जैसे एक फूल को अपन लें, आप उसकी सुगंधी थोड़ा सूंघ लें, दूसरे व्यक्ति को दे तो क्या उसकी सुगंध में कुछ कमी आएगी? तो ऐसे प्रभु की एक दृष्टि मात्र से आपने जो पदार्थ का भोग लगाया है वो प्रसाद बन जाता है। इसलिए परमात्मा प्राप्ति के लिए कोई अर्थोपार्जन की, शिक्षा की, बलवत्ता की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रभु मिलन के लिए मन में भाव होना, प्रहलाद जी को भाव था, सर्वत्र परमात्मा का दर्शन होता था, इसलिए प्रहलाद जी पिताजी के दिए हुए वचनों को मानते थे। लेकिन ये कहते, पिताजी परमात्मा सर्वत्र है, आपको भी मेरे परमात्मा ने ही बनाया है। प्रभु प्रेम में जो पागल हो जाता है उसे ही परमात्मा की प्राप्ति होती है।
महाराज एक बार देवऋषि नारद जी द्वारिका में आए हैं। रुक्मिणी सत्यभामा 16,108 रानियां नारद जी के दर्शन करती हैं। सत्यभामा ने पूछा कि नारद जी हमें जन्म जन्मांतर में भगवान कृष्ण पति रूप में मिलते रहे ऐसा कोई उपाय बताओ। तो नारद जी ने कहा कि जो जिस व्यक्ति को जिस वस्तु की आवश्यकता होती है उस वस्तु का दान करना चाहिए तभी अगले जन्म में उसको प्राप्त होता है। सुसत्य भामा ने कहा कि मेरे को अगले जन्म में भगवान कृष्ण ही प्राप्त हो इसलिए मैं कृष्ण भगवान का दान कर देती हूं। महाराज संकल्प कर लिया और भगवान कृष्ण का दान कर दिया सत्य भामा ने। किस लिए किया कि अगले जन्म में मुझे भगवान कृष्ण ही पति रूप में प्राप्त हो। अब जैसे ही दान किया नारद जी ने दान ले लिया जैसे ही नारद जी दान में भगवान को लेकर के भगवान का हाथ पकड़ करके ले जाने लगे तो सत्यभामा घबरा गई। महाराज ये हमारे पति हैं इनको कहां लेकर के जा रहे हो। बोले आपने दान कर दिया ना अब ये दान दी हुई वस्तु तो मेरी हो गई है। सत्यभामा नारद जी को स्तुति करने लगी। ऋषिवर ऐसा कोई उपाय बताओ ना कि मेरा पति मेरे ही पास में रहे। नारद जी कहते हैं कि दान में दी हुई वस्तु वापस नहीं ली जाती अब कृष्ण के ऊपर में मेरा अधिकार हो गया है। अब सत्यभामा को अपनी भूल समझ में आ गई भगवान को बार बार मांगने लगी है। नारद जी देने में इनकार करने लगे। उधर ये सब बातें 16,100 रानियों को मालूम पड़ी। सभी रानियां दौड़ दौड़ करके आई नहीं है रुक्मिणी जी नहीं आए। सभी रानियां नारद जी से विनती करने लगी हमारे पति को आप छोड़ दो हमारे पति को वापस दे दीजिए। नारद जी कहने लगे सत्यभामा ने कृष्ण को हमें दान कर दिया है अतः अब वो मेरे हो गए हैं। फिर भी यदि आपको वापस लेने की इच्छा हो रही है तो भगवान में जितना वजन है उनके बराबर स्वर्ण का दान देना पड़ेगा तो मैं कृष्ण को वापस लौटा दूं। तो सत्यभामा प्रसन्न हो गई। सत्यभामा ने सोचा कि हमारी द्वारिका तो पूरी सोने की बनी हुई है कितने मेरे आभूषण हैं भगवान के बराबर सोना दे दूंगी और कृष्ण को वापिस ले लूंगी। महाराज जितना आभूषण स्वर्ण के थे सत्यभामा ने एक पलड़े में रख दिए एक पलड़े में भगवान कृष्ण बैठे हैं। सत्यभामा को मन में अभिमान था कि भगवान का कितना वजन होगा। अपने सारे आभूषण ले आई। सत्यभामा ने हीरा मोती स्मयंतक मणि सहित अपने सारे आभूषण तुला के एक पलड़े में रखे हैं लेकिन भगवान का पलड़ा तो नीचा ही रहा। अब तो सारी रानियां घबरा गई दौड़ दौड़ करके। 16,108 रानियां अपने आभूषण खोल खोल करके तुला के एक पलड़े में रखने लगी है। समस्त रानियों का जितने आभूषण थे सब रखने के बाद भी भगवान कृष्ण का पलड़ा तो भारी रहा। समस्त रानियां घबरा गई
सत्यभामा और सभी रानियां दौड़ करके रुक्मणी जी के पास गई है। रुक्मणी को यह सब बात बताई तो रुक्मणी जी वहां पर आई। रुक्मणी जी ने सारा भेद समझ गई। भगवान को समस्त रानियां वजन कर रही है, तोल रही है। रुक्मणी ने अन्य नारियों से कहा, क्या भगवान की तुला स्वर्ण से हो सकती है? रुक्मणी जी ने समस्त गहने नीचे उतरवा दिए और एक तुलसी का दल लिया, तुलसी की पत्ती ली, तुलसी दल रखा तो भगवान उस तुलसी दल के बराबर पलड़ा, अपने आप उठ गया। रुक्मणी ने प्रेम तुलसी दल अर्पण किया था, भगवान का पल्ला बराबर आ गया। ऐसे रुक्मणी का दिव्य प्रेम था। भगवान सोने के भूखे नहीं है। जो प्रेम से एक पुष्प भी भगवान को अर्पण करता है, भगवान उसकी भावना से स्वीकार कर लेते हैं। ऐसे प्रह्लाद जी कह रहे हैं कि प्रभु, जीव मात्र आपसे प्रेम करता है तो आप उस जीव मात्र की दशा को नहीं देखते कि ये राक्षस कुल का है, आप तो उसके प्रेम को देखते हैं प्रभु। जिस दिन जिस व्यक्ति से पाप हो जाए उस दिन भगवान की सेवा करते समय प्रभु ऐसा लगेंगे कि आज भगवान मेरे से नाराज हैं, आज मैंने जीवन में पाप किया है, तो भगवान को दुख होता है, कष्ट होता है। अतः सात्विक बनकर के प्रभु की सेवा करना, जब तक मन मलिन है तब तक आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। मन से मलिनता दूर करो, प्रभु सेवा में भावना और अटलता एक होना चाहिए। इस विषय में अनेक दृष्टांत महात्मा लोग देते हैं। महाराष्ट्र में नामदेव जी नाम के एक संत हुए हैं, उनके प्रसंग का जीवन का एक दृष्टांत बताते हैं। नामदेव महाराज के घर में प्रतिदिन भगवान विठ्ठलनाथ की पूजा हुआ करती थी। बोले विठ्ठलनाथ भगवान की जय। जब नामदेव प्रभु की अवस्था 3 वर्ष के जब बालक थे तब की ये घटना बता रहे हैं कि उनके पिताजी एक बार बाहर गांव जाने का कोई काम पड़ा तो नामदेव को सेवा सौंप दी कि ठाकुर जी की सेवा तुझे करनी है। विठ्ठलनाथ हमारे घर के मालिक हैं बेटा, इनकी सेवा करना, उनकी सेवा के बिना भोजन करना पाप है। यह सुनकर नामदेव ने सेवा करने की रीति पूछी कि पिताजी आप कैसी सेवा करते हैं, थोड़ी मेरे को बता दो, आप जैसी सेवा करेंगे मैं उनकी सेवा कर लूंगा। पिताजी ने कहा कि बेटा, विठ्ठलनाथ घर की प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं, अतः उनके प्रसाद के रूप में वस्तु का ग्रहण करने में दोष नहीं है। ठाकुर जी को अर्पण किए बिना खा लेना पाप है बेटा। अपने घर का मालिक स्वयं नहीं बनना, प्रभु को मालिक बनाना। मैं तो इस घर का दास हूं। नामदेव जी के पिताजी कहने लगे, बेटा प्रातःकाल जल्दी उठ जाना, स्नान आदि से पवित्र होने के बाद में भगवान से प्रार्थना करना। जिस जगह अपनी ठाकुर बाड़ी है भगवान के मंदिर के सामने बैठ करके भगवान को जगाना। को
कौसल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्थिष्ठ नरसार्दूल कर्तव्यं देव मां कुरु उत्थिष्ठो उत्थिष्ठ गोविंद उत्थिष्ठ गरुड़ध्वज उत्थिष्ठ कमलाकांत त्रैलोक्यं मंगलं कुरु। बेटा प्रभु के सामने बैठ करके थोड़ी देर उनको जगाना, ऐसे नहीं अपन पूजा करते हैं अपने ठाकुरवाड़ी के तुरंत पर्दा उठाया ठाकुर जी को उठा लिया। नामदेव जी के पिताजी नामदेव को सेवा करने की पद्धति बता रहे, बेटा सुबह स्नान आदि से पवित्र होकर के ठाकुर जी के सामने बैठ करके कुछ गाना। वैष्णव के हृदय में प्रेम भाव जागने से ठाकुर जी को भूख लग जाती है, उठ जाते हैं। बेटा फिर भगवान को धीरे धीरे स्नान कराना, स्नान करते समय भगवान का दर्शन करना, सद्भाव से सेवा करना, श्रृंगार करना, उनसे पूछना कि आज आप कौन सा पीतांबर पहनेंगे, आज आपको कौन सी पोशाक धारण करनी है। प्रभु श्रृंगार करता भगवान के साथ एक हो जाता है। प्रभु ने ये यदि दिया है तो भगवान के लिए लक्ष्मी खर्च करने पर आपको चौगुनी प्राप्त होगी। जिस लक्ष्मी का उपयोग भगवान के प्रति खर्च होता है तो उस घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होती। लक्ष्मी ये सोचती है मेरे नारायण के लिए खर्च कर रहा है तो लक्ष्मी दिनों दिन उसके घर में बढ़ती रहेगी। प्रेम से कहिए श्री राधे। आज विठलनाथ के पिता नामदेव जी के पिता विठलनाथ की सेवा करने की पद्धति बता रही हैं। नामदेव कन्हैया को बार बार बुलाने पर वह बोलता है जगत को भूल करके परमात्मा में तन्मय होना। नामदेव भोले बालक हैं, 3 वर्ष के बालक को क्या समझता। उन्होंने पिताजी की बातों पर विश्वास कर लिया। पिताजी ने जैसी सेवा करने की पद्धति बताई थी उस पद्धति को ठीक से समझ लिया है। नामदेव जी के मन में बात जम गई, विठलनाथ जी दूध पिएंगे, भोजन करेंगे, भक्त बनाएगा, भगवान करेंगे। प्रातःकाल विठलनाथ की सेवा करने के लिए नामदेव जी सुबह 4 बजे उठे हैं, सेवा में लीन हो गए, प्रेम से प्रभु को जगाया है, बालक बनकर के सेवा की है। नामदेव जी ने ठाकुर के चरणों में धोकर के सुंदर श्रृंगार किया है। आज प्रभु विठलनाथ प्रसन्न दिखने लगे हैं। नामदेव गरीब घर के बालक हैं, तुलसी की माला लेकर के ठाकुर जी को पहनाया है। दूध गर्म करके, ठंडा करके, शक्कर मिला करके प्रभु के सामने समर्पित किया है। त्वदीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, तुभ्यमेव समर्पये। नामदेव बार बार प्रभु को मनाने लगे, विनती करने लगे हैं, पर नामदेव का प्रेम देखकर विठलनाथ भगवान उस बालक को देख करके निहारने लगे हैं। नामदेव ने देखा कि प्रभु आज दुग्ध का पान क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या शक्कर कम है, अपने घर से दौड़ करके शक्कर लेकर के आए, शक्कर डाली है। फिर बार बार करते हैं त्वदीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, तुभ्यमेव समर्पये। हे विठलनाथ,
पिताजी तो बाहर गए हैं, आप भूखे बैठे रहोगे। आज जड़ मूर्ति है, चिन्मयी होने लगी। नामदेव जी बार बार कहते हैं, प्रभु आप दुग्ध का पान नहीं करोगे तो मैं आपकी दहली के ऊपर अपना मस्तक फोड़ दूंगा। नामदेव की ऐसी दयनीय दशा देखी तो विठ्ठलनाथ मूर्ति से प्रकट हुए हैं और सामने दुग्ध का कटोरा है, वो अपने हाथ में लेकर के पान करने लगे हैं। जड़ मूर्ति चिन्मयी बनी है। विठ्ठलनाथ जी दूध पीते देख करके नामदेव जी को अति प्रसन्नता हो रही है। बालक को आशा थी कि विठ्ठलनाथ कुछ प्रसाद तो मेरे लिए छोड़ेंगे, किंतु आज तो विठ्ठलनाथ सारा दूध पान करते जा रहे हैं। यह देख करके नामदेव जी कहने लगे, आज आपको क्या हो गया है? क्या आप सारा दूध ही पी जाओगे, मेरे लिए प्रसाद में कुछ नहीं छोड़ोगे? यह सुनकर विठ्ठलनाथ ने नामदेव जी को उठा करके अपनी गोद में लिया है। दोनों ने एक दूसरे को दुग्ध पान कराया है, ऐसा सेवा का क्रम बताया है। नामदेव जी भगवान को दुग्ध पान करा करके विठ्ठलनाथ भगवान के मंदिर में कीर्तन करने लगे हैं। बोले विठ्ठलनाथ भगवान की। कीर्तन करते समय पिताजी कह करके गए थे कि बेटा, भगवान को भोग लगाने के बाद में थोड़ी देर भगवान को रिझाने के लिए कुछ गाना चाहिए। देखो अपन भी भोग लगाते हैं, तुलसी दल छोड़ा, आसपन कराया और थाल उठा करके रसोई घर में कुछ देर बैठ करके गाना चाहिए। भगवान को भोग लगने के बाद में ऐसा भाव जागृत होना चाहिए कि हम कुछ गाएं, तो भगवान के सामने बैठ करके कुछ पद्य गाना चाहिए। वो तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, 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 तेरे संग में संग रहेंगे। आज प्रह्लाद जी महाराज स्तुति करते कहते हैं कि भगवान को रिझाने के लिए कुछ गाना पड़ता है। मांगलिक सद्गुणों में वर्णन कैसे करूं, ब्रह्मादि देव आपको नहीं पहचान पाते। प्रह्लाद जी हाथ जोड़ करके कहते हैं कि मेरे पिताजी का जो आपके सत्ता का उल्लंघन किया है, हे प्रभु, हे दीन बंधु, मैं उनकी तरफ से क्षमा याचना कर रहा हूं। प्रभु आप कृपा करना कि मेरे पिताजी नरक में ना जाए। भगवान नरसिंह कहते बेटा, जिस कुल में तुम जैसा भक्त का जन्म हो जाता है उसकी तो 21 पीढ़ियां तर जाती है बेटा।
तुम तुम्हारे पिता की चिंता मत करो। प्रहलाद जी कैसे कह रहे हैं कि प्रभु मैं यही नहीं जानता, मैं तो 5 वर्ष का बालक हूं, मेरे अंदर में 5 विकार बैठे हुए हैं, काम क्रोध लोभ मन मोह है मत्सरता, यह मेरे को ठीक से बैठने नहीं देती, यह मेरी जिह्वा है इसमें एक हड्डी नहीं है लूली है, फिर भी रोज कुछ न कुछ मिठाई मांगती है, आखिर सौंदर्य मांगते हैं कि आजकल मनोरंजन नहीं देखा सिनेमा मांगते हैं, आंखों को समझाता हूं कि इतने में कान कहते हैं कि मुझे चैन नहीं, मुझे तो संगीत सुनना है। जो व्यक्ति मानव जीवन सफल बनाने की इच्छा रखता है वह श्रृंगार गीत कभी नहीं सुनता, स्पर्श कभी नहीं करता। प्रहलाद जी कह रहे हैं कि मैं जानता हूं मेरा शरीर हाड मास का एक पुतला है, मैं लाचार हूं, लेकिन जब काम क्रोध लोभ मेरे शरीर में जागृत होते हैं तो मेरी सारी समझदारी बाहर निकल जाती है प्रभु, इन इंद्रियों को मैं बस में नहीं कर पाता। कि जीवेन वक्तु विरकशी च मित्रता शिशिरो सुंदरणम श्रवणम कुतस्तये। हे प्रभु, हमेशा ऐतृप्त रहने वाली जीव मुझे स्वादिष्ट रसों की ओर खींचती है। प्रभु, मैं एक बालक हूं, मेरी त्रुटियों को आप क्षमा करना, किंतु मैं कहता हूं कि जगत में सुंदर आपने इतना बनाया है कि हर व्यक्ति इन इंद्रियों के वशीभूत हो जाता है। भगवान कहते हैं कि मैंने सोच समझ करके इस संसार का सुंदर निर्माण किया है, मेरी संतान कोई दुखी ना हो। जो मर्यादा का उल्लंघन करता है उसको संसार में दुखी होना पड़ता है। जीवों को सुखी करने के लिए मैंने संसार बनाया है। लेकिन जीव उन साधनों का दुरुपयोग करने के बाद में दुखी हो जाते हैं। एक बार अकबर की पुत्री के पैर में कांटा चुभ गया, अकबर ने कहा कि पूरे गांव के अंदर में चमड़ा बिछा दो, मेरी बेटी को कोई कांटा नहीं चुभना चाहिए। तो बीरबल कहते हैं कि पूरे गांव में चमड़ा बिछाना संभव नहीं है, आप अपने बेटी को चरण पादुका पहना दो, ऐसी पूरा संसार सुधर जाए ये संभव नहीं है, अपने आप को सुधार लो। जो अपने मन को अपने आप को सुधार लेता है तो संसार सुधरा हुआ लगता है। भगवान ने 3 अमृत बनाए हैं संसार में, एक तो है कथा अमृत, एक है चरणामृत और एक होता है दुग्धामृत, गाय के दूध को भी अमृत कहा है। एक जो भगवान की कथा होती है उसको भी शास्त्र अमृत कहते हैं कि भगवान का कथा अमृत है। एक जो अपन मंदिर जाते हैं और पुजारी जी अपन को चरणामृत देते हैं वो भी अमृत है। ऐसे 3 अमृत शास्त्र में बताए हैं, वो 3ों अमृत अपन को भगवान दे रखे हैं, उनका पान करना चाहिए। जो इन 3ों अमृतों को पान करता है तो उसकी इंद्रियां संसार के सुख भोगने की इच्छा नहीं करती। श्री राम राम जपन से सभी कष्ट कट जाए रे, श्री राम जपन से सारा
शुभ काम हो जाए रे। मीराबाई कहती है, मेरो मन राम ही राम रटे, अरे राम राम जप लीजे प्राणी कोटिक पाप कटे। अरे मन, संसार का तो अमृत कौन सा है, सुखों को अमृत मानता है लेकिन ये सुख थोड़ी दिन बाद में विष के समान लगने लगते हैं। कोई कहते हैं कि रसगुल्ला बहुत अच्छा लगता है, गुलाब जामुन बहुत अच्छा लगता है, एक खाएंगे दो खाएंगे पांच दस खाते से तो फिर कहते हैं अब मत देना, आप तो खाएंगे तो उल्टी हो जाएगी, अगर उनमें ही आनंद होता तो खाते ही रहो। इसलिए भगवान की कथा को अमृत क्यों कहा है कि आप 7 बजे तक खता चले और कभी कभार 7:30 हो जाए तो आप कहोगे कि अब मत कहना नहीं तो उल्टी हो जाएगी, इतना ही सुनना है, नहीं ना, क्योंकि ये अमृत है, ये जितना सुनेंगे उतना ही अच्छा लगेगा, क्योंकि भगवान नित्य हैं, गंगा जी नित्य हैं, गंगा का पान करोगे गंगा का जल कभी भी दूषित नहीं होता है। कोई अपने मंत्री बने और 5 साल बाद में वो मंत्री अपने पद से हट जाए तो उसके आगे क्या लग जाता है, भूतपूर्व प्रधानमंत्री लगता है कि नहीं। जो अपने पद से हट जाता है तो उसके पहले क्या लग जाता है, भूत। लेकिन भगवान राम भगवान कृष्ण तो कब अवतार लिए थे और नित्य आज उनकी कथाएं होती है तो अपन ऐसे थोड़ी कहते हैं भूतपूर्व श्री राम भूतपूर्व भगवान कृष्ण, क्योंकि वो आज भी है नित्य है। इसलिए भगवान के आगे ये नहीं, ये शब्द नहीं लगता। तो आज भगवान की कथा अमृत पान करने में अपन को आनंद इसलिए आता है कि भगवान नित्य हैं। प्रहलाद जी कहते हैं, प्रभु मैं जानता हूं आपका नामामृत और कथा अमृत का पान करने से मन शुद्ध होता है, शुद्ध मन को जगत में ब्रह्ममय हो जाता है, इसलिए प्रभु मुझे संसार की इन वासनाओं को देख करके मन विचलित हो जाता है, हम कथा में बैठ जाते हैं हमारी दृष्टि बार बार समय की ओर जाती है कि कितना समय और बचा है, यह हमारा मन बड़ा दुष्ट है, काम सुख का चिंतन करता है, विषयों का चिंतन करता हुआ है। प्रहलाद कहते हैं कि मेरा मन असाधु है कामातुर है, आपकी कथा में नाम स्मरण में स्थिर नहीं हो पाता, प्रभु आप कृपा करें मेरे मन को सुधारें। अपकार का बदला उपकार से देना साधु का कर्तव्य होता है, भगवत सेवा विमुख व्यक्ति देख करके दुख होता है। प्रहलाद जी कहते हैं कि मेरे साथ में जो मित्र खेलते थे और मैं आपके स्वधाम चले जाऊं और इस दुख भरे संसार में अपने मित्रों को छोड़ करके जाऊं तो ये विश्वासघात होगा ना। आप कहते हैं कि तुम कहो वैसा मैं करूंगा, तो प्रभु मैं अपने मित्रों को देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इन मित्रों को आपके वैकुंठ में ले जाऊं। तो भगवान ने कहा कि अगर प्रहलाद तेरी इच्छा है तो कितना ही पापी क्यों ना हो तू लेकर के आ जा और मेरे वैकुंठ में ले जा। तो प्रहलाद जी सब जगह गए, किसी गृहस्थ के घर जाते, बड़े से बड़े व्यक्ति को पूछते, भैया तेरे देख बेटे पोते सब हो गए हैं अब भगवान के धाम जाएगा क्या, तो वो कहता नहीं नहीं अभी पड़ पोता और बाकी उसको देख लूं। वो भी हो गया तो प्रहलाद जी कहने लगे अब चले, बोले नहीं नहीं अभी तो मैं इसके साथ खेलूंगा इसका दुलार देखूंगा, उससे शरीर से ठीक से चलना नहीं हो रहा है,
तो भी वो भगवान के वैकुंठ में जाने को तैयार नहीं है। प्रहलाद जी ने देखा कि कोई मनुष्य भगवान के वैकुंठ में जाने को तैयार नहीं है, तो एक कीचड़ के अंदर में एक सुअर कीचड़ में लौट रहा था। जाकर के प्रहलाद जी कहने लगे, अरे सुअर, भगवान के वैकुंठ को जाएगा क्या? सुअर इतना कहते से ही उस गंदी नाली के कीचड़ से बाहर निकला, बोले हाँ मैं वैकुंठ को चलूंगा। तो प्रहलाद जी कहने लगे, ठीक है मैं विमान बुलाता हूं, अपन साथ में ही चलेंगे। इतने में सुअर क्या कहने लगा, अरे प्रहलाद एक बात तो बता, क्या उस वैकुंठ में ऐसी गंदी नाली मिलेगी कि नहीं, ऐसा गंदा कीचड़ मिलेगा कि नहीं? तो प्रहलाद जी कहते हैं, उस वैकुंठ में तो सुगंधित हवा चलती है, वहां कोई कीचड़ नहीं, वहां कोई गंदगी नहीं है। सुअर जाकर वापस उस कीचड़ में ही बैठ गया, बोले मेरे को तो ये कीचड़ ही अच्छा लगता है। तो भगवान कहते हैं कि प्रहलाद, जो व्यक्ति एक बार इस मृत्यु लोक में आ जाता है तो फिर जाने का नाम नहीं लेता, यहां कष्ट पाता रहेगा लेकिन ये संसार उसे अच्छा लगता है। प्रहलाद जी कहते हैं कि प्रभु मैं स्वार्थी हो गया हूं, मैं 5 वर्ष का बालक क्या जानूं आपकी लीला को, बड़े बड़े ब्रह्मा जी जैसे आपको नहीं पहचान सके, मैं 5 वर्ष का वो भी एक मेरे पिता दुष्ट प्रवृत्ति के थे, उनके कुल में मेरा जन्म हुआ, आपकी माया को मैं कैसे पहचान पाऊंगा। आज प्रभु बार बार प्रहलाद जी को कहते हैं कि तुम वरदान मांगो, और प्रहलाद जी बार बार मना कर रहे हैं कि मुझे कोई वर नहीं चाहिए प्रभु। महाराज, प्रहलाद जी की दिव्य स्तुति सुन करके भगवान नरसिंह बार बार कहते हैं, बेटा प्रहलाद ये संसार ऐसा ही है, जो मेरे नामाश्रित मेरे नाम के अधीन रहता है उसको जीवन में कष्ट आते हैं, लेकिन मेरे नाम रूपी अमृत का पान करने से उस कष्ट को वह सहन कर जाता है, इसलिए मेरे भक्तों का जो प्राणी आश्रय लेता है, मेरे नाम का आश्रय लेता है, मेरी कथा का आश्रय लेता है, उस व्यक्ति के जीवन में कष्ट तो आएंगे लेकिन वो कष्टों को सहन करने की शक्ति मिलती रहेगी और धीरे धीरे अपने जीवन की नैया पार लगा लेगा। तो अपन भी थोड़ा संतों का संग करें ताकि हमारा जीवन भी प्रहलाद जी की भांति भगवान के नाम में हमारी आस्था बढ़ जाए। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग अच्छी बनेगी, तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। कोई जावे पेड़ों पार रे तेरी अच्छी बनेगी,
तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। हो जावे बेड़ो पार रे तेरी अच्छी बनेगी, हो जावे बेड़ो पार रे तेरी अच्छी बनेगी। काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या, काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या, काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या, काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या। त्याग सके तो अब त्याग रे तेरी अच्छी बनेगी, त्याग सके तो त्याग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। हो जावे बेड़ो पार रे तेरी अच्छी बनेगी, हो जावे बेड़ो पार रे। बन गई हरि सुमरन है, बन गई हरि सुमरन तेरी अच्छी बनेगी, हरि सुमरन में लग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। हो जावे बेड़ो पार रे तेरी अच्छी बनेगी, हो जावे तेरो बेड़ा पार रे तेरी अच्छी बनेगी। कागा से कोई हंस करेंगे, कागा से कोई हंस करेंगे, मिट जाए उड़ के ताक रे, ओहो
मिट जाए उर के दाग रे, ओ तेरी अच्छी मरेगी। मिट जाए गुल के दाग रे, तेरी अच्छी मरेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लारी भगवान की जय। महाराज प्रह्लाद जी ने भगवान के पास दिव्य स्तुतियां सुनाई हैं, संसार के बारे में कहा कि प्रभु आपने संसार को बहुत सुंदर बनाया। व्यक्ति अपने प्रमाद के कारण दुखी हो जाता है। एक राजा पशु पक्षी की भाषा जानता था। एक बार राजा और रानी दोनों बैठ करके भोजन कर रहे थे, तो एक चींटी ने भोजन का दाना रानी की थाली से उठा करके राजा की थाली में छोड़ दिया। यह देख करके दूसरी चींटी उस चींटी से कहने लगी कि यह अधर्म है, स्त्री का जूठा अन्न पुरुष को खिलाना पाप है। इन चींटियों की बात सुनकर के राजा को हंसी आने लगी। दोनों चींटियां आपस में बातें कर रही है कि तुमने ये दाना उठा करके राजा की पत्तले में डाला, ये अच्छा नहीं किया। तो वो दोनों बातें कर रही थी तो राजा को उन चींटियों की भाषा का ज्ञान था, क्योंकि उस राजा ने कई एक बार तपस्या की थी। उस तपस्या के फल स्वरूप राजा को ज्ञान हो गया कि वह पशु पक्षियों की भाषा समझने लगा। तो उसको वरदान में एक बात कही गई कि तुम्हें ये ज्ञान तो हो गया है, लेकिन तू कभी भी किसी दूसरे को इन चींटियों की, पशुओं की, पक्षियों की कोई भी बात दूसरे व्यक्ति को कहेगा उसी समय तेरी मृत्यु हो जाएगी। क्या कहा? अगर दूसरों के कहने पर तेरी मृत्यु हो जाएगी। राजा ने कहा ठीक है, मैं नहीं कहूंगा। तो वो दोनों चींटियों की बात पर हंसे तो पास में रानी बैठी थी, वो कहने लगी आप हंसे क्यों? तो वो कहने लगा ये दो चींटियां आपस में बात कर रही थी, उस बात पे मुझे हंसी आ गई। बोले क्या बात कर रही थी बताओ। तो वो कहता है नहीं नहीं, जिस महात्मा ने राजा को पशु पक्षी की बोली जानने की विद्या दी थी उस समय मना कर दिया था ना कि किसी को बताना मत। राजा ने पत्नी को बहुत समझाया किंतु स्त्री हट जो था वह कहने लगी कि आपको बात तो बताना पड़ेगी। राजा ने यहां तक कह दिया कि मैं बात बताऊंगा तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, फिर भी रानी क्या कहते कि आपको बात तो बताना पड़ेगी चाहे आपकी मृत्यु क्यों ना हो जाए। राजा दुखी हो गया। राजा ने बार बार समझाया किंतु बात जानना चाहती थी रानी। राजा भोला था, अपने पत्नी के अधीन था, सो उसने कहा कि हम दोनों काशी में चलते हैं, मैं तुम्हें पूरी सारी बात बताऊंगा। राजा ने सोचा कि मरना ही है तो काशी में जाकर के मरे ताकि भगवान शंकर मेरे कान में
मंत्र दे करके मुझे आवागमन के चक्कर से छुड़ा दे। दोनों काशी की ओर निकल पड़े, काशी में मरकर मेरी मुक्ति पालूं। वे दोनों काशी की ओर चले हैं। रास्ते में वन में एक बकरा और एक बकरी का जोड़ा मिला। बकरी बकरे से कहने लगी कि कुएं के पास जाकर मुझे हरी घास लेकर के आओ मेरे लिए, नहीं तो मैं डूब करके मर जाऊंगी। बकरे ने समझाया कि मेरा पांव पिसल जाएगा तो मैं कुएं में जाकर के गिर जाऊंगा और तेरे को हरी घास की पड़ी है। बकरी कहती है, नहीं नहीं, मेरे लिए हरी घास लेकर के आओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगी, मैं घास खाऊंगी। तो बकरे ने थोड़ा अपना तेवर बदल दिया और कहा कि मैं उस राजा की जैसे मूर्ख थोड़ी हूं जो अपनी पत्नी के लिए बिना कारण अपना जीवन नष्ट कर रहा है। राजा ने बकरे के ये शब्द सुने, सोच में पड़ गया कि मैं कितना मूर्ख हूं। भगवान ने मुझे मानव शरीर दिया है भगवत प्राप्ति के लिए और मैं आज अपने शरीर को नष्ट करने के लिए जा रहा हूं। मुझे तो प्रभु का भजन करना चाहिए। मूर्खता भरी हट का नाश करने के लिए राजा को भी आज तैयार हो गया और कहने लगा, मैं कोई काम के अधीन नहीं हूं रानी, मैं अब काशी नहीं जाऊंगा, तुम चाहे जो कर लो, मैं तुमको बात नहीं बताऊंगा, क्योंकि मुझे मानव शरीर भजन करने के लिए मिला है और तेरे कहने पर मैं अब शरीर को नष्ट थोड़ी करूं। इसलिए कभी भी भगवान का भजन करना है, अपना यह शरीर भगवान ने बहुत बड़ी कृपा की है तब जाकर के मानव शरीर प्राप्त हुआ है। यह शरीर बार बार नहीं मिलता है, इस शरीर का उपयोग कर लेना, मरने के बाद ये किसी के काम नहीं आने वाला। सबसे पहले तो देखो भगवान ने कृपा की है, भारत राष्ट्र में जन्म मिला, फिर इतनी कृपा कर दी कि रामकृष्ण नाम लेने वाले परिवार में जन्म मिला है, तो ही आज अपन श्रवण करने के लिए आए हैं ना। तो ऐसा परिवार में, भारत राष्ट्र में भगवान ने जन्म दिया है। अब देखो गरीबी अमीरी ये तो आती जाती रहती है, जैसी परिस्थिति हो उस परिस्थिति को स्वीकार करके भगवान के गुणानुवाद में लग जाना चाहिए। घर में ठीक तरह से भक्ति नहीं हो पाती तो कभी कभार 12 महीनों में तीर्थ यात्रा कर लेना चाहिए। ऐसे भगवान प्रहलाद जी महाराज की दिव्य स्तुति का ज्ञान श्रवण करते हैं। अंत में प्रहलाद जी भगवान को दंडवत प्रणाम करते हुए कहते हैं, प्रभु मैं 5 वर्ष का बालक आपकी शास्त्र को नहीं जान पाता, लेकिन आप जिस पर कृपा कर देते हैं उसको ज्ञान हो जाता है। आज मुझे ज्ञान हुआ, मृत्यु लोक में आपकी माया है ये सत्य है, लेकिन जो मायापति की शरण में चला जाता है उसे माया कभी भी कष्ट नहीं देती है। प्रेम से कहिए श्री राधे। अंत में गृहस्थों का क्या धर्म बताया ये बात पूछते हैं कि गृहस्थ व्यक्ति को घर में भोजन बनाते हैं, झाड़ू लगाते हैं तो कई चींटियां मर जाते हैं, कई जीवों की हत्या हो जाती है, इसलिए भोजन बनाए तो सबसे पहले एक गैया की रोटी दें, एक कुत्ते को रोटी दें, चींटियों को आटा डालें। ऐसे थोड़ा थोड़ा रोज अपन धार्मिक कार्य करते रहेंगे तो अपना पतन का कारण नहीं बनेगा। ये गृहस्थ व्यक्तियों के उपदेश दिए हैं। आगे मनमंत्रों की कथा में पूछ रहे हैं महाराज परीक्षित, पूछ रहे हैं कि गुरुदेव एक बार गजराज और ग्राह कई दिनों तक उनका युद्ध चला, वो कैसे हुआ, भगवान ने किस प्रकार कृपा करी वो तो बताओ।
सुखदेव मुनि कहते हैं, राजन गज और ग्राह की कथा हमारे शरीर पर सब लोगों के ऊपर में घट रही है। कैसे? सुखदेव मुनि कहते हैं, राजन त्रिकूट पर्वत पर एक हाथी था, मतवाला हाथी। 10,000 हाथियों का उसमें बल था। त्रिकूट पर्वत से महायोद्धा च महामुनि। हे परीक्षित, वह हाथी त्रिकूट पर्वत से एक बार ग्रीष्मकाल का समय में अपने परिवार के साथ में चलकर स्नान करने के लिए सुंदर सरोवर में, तालाब में जाने लगा। मार्ग में कोई वृक्ष आ जाते, उन्हें उखाड़ करके फेंक देता, आगे बढ़ जाता। ऐसे महाराज गजराज अपने परिवार को लेकर के सुंदर सरोवर में गया है। पूरे परिवार के स्नान कराया, अपने सूंड में जल भर भर के अपनी पत्नियों को, बच्चों को पानी डाला है, स्नान करवाया है। अब हतनिया और उसके बेटे सब अपने अपने सूंड में जल भर करके गजराज का अभिषेक करने लगे। गजराज तालाब के अंदर में मदमस्त होकर के स्नान करने लगा। उसी समय गजराज का एक ग्राह आकर के पैर पकड़ लिया। अब जैसे ही पैर पकड़ा तो गजराज ने देखा कि कोई जलचर होगा, छोटा जीव जंतु होगा, मेरा पैर पकड़ करके उसे क्या फायदा, मैं तो 10,000 हाथियों का बल रखता हूँ, इतना मैं बलशाली हूँ। महाराज ग्राह गजराज का पैर पकड़ करके नीचे गहराई में ले जाने लगा। तो गजराज ने एक बार अपनी शक्ति लगाई, तालाब से बाहर आ गया। लेकिन ग्राह भी कम बलशाली नहीं था, उसने भी खींच करके वापस गजराज को तालाब में लेकर के आ गया। गजराज का परिवार थे, पत्नियां थी, बच्चे थे, सबने खूब गजराज को पकड़ करके खींचा, लेकिन सब प्रयास असफल रहे, नहीं बचा पाए। बच्चे और पत्नियों ने देखा कि अब हमारा गजराज बचने वाला नहीं है, सब छोड़ करके जाने लगे। तब गजराज निढाल हो गया, निस्तेज हो गया और भगवान को पुकारने लगा कि अब किसी को नहीं पुकारना, मैं तो इस परिवार को अपना समझता था, मेरा परिवार है, आज अंतिम समय में मुझे छोड़ करके ये जा रहे हैं। महाराज गजराज निढाल होकर के प्रभु को पुकारने लगा कि जिस संसार को जिसने बनाया है वो आकर के मेरी रक्षा करे। समस्त देवता देख रहे हैं कि हमारा नाम ले तो हम बचा दें। शंकर जी देख रहे हैं, दुर्गा जी देख रहे हैं, गणेश जी देख रहे हैं, लेकिन गजराज ने किसी को नहीं पुकारा। सबसे पहले गजराज ने एक ही पुकार करी कि जिसने संसार को बनाया वो आकर के मेरी रक्षा करे। तो संसार को किसने बनाया? परमात्मा ने बनाया ना, नारायण ने बनाया ना, वही आकर के मेरी रक्षा करे। भगवान वैकुंठनाथ गजराज की आर्त ध्वनि कानों में पड़ी है। लक्ष्मी जी भगवान के चरण दबा रही है, उस समय गजराज की आर्त ध्वनि भगवान वैकुंठनाथ के कानों में पड़ी। उसी समय लक्ष्मी जी ने भगवान के हाथ पकड़ कर कहने लगे, हाथ पकड़ लक्ष्मी कहो कहां जात ब्रजराज,
हाँ तो लक्ष्मी ने सुन्यो और थी सुन्यो गजरा। भगवान को इतना समय नहीं बचा कि मैं हाथी को बचाने जा रहा हूं। भगवान ने इतना ही कहा हाँ और थी कहते से भगवान गजराज के पास पहुंच गए हैं। उसी समय भगवान के हाथ से सुदर्शन चक्र निकला है, ग्राहक के मस्तक को काट दिया और भगवान ने गजराज को बचा लिया। परीक्षित कहने लगे प्रभु ये पशु शरीर में भी भगवान को पुकारे, भगवान इनको बचाने के लिए आए, इनका कोई ना कोई पुण्य तो होगा ना। सुखदेव मुनि कहते हैं राजन ये जो गजराज है ये पूर्व जन्म के अंदर में इंद्रद्युम्न नाम का एक राजा था। जब इसके गुरुजी कभी कभी इसके घर आते, एक बार गुरुजी घर आए तो ये पैर फैला करके बैठा था। अब अपने गुरुजी आए तो अपना कर्तव्य बनता है कि अपन उनके सामने जाकर के प्रणाम करें, तो वो अपने घर में पैर फैला करके बैठा ही रहा तो गुरुजी को क्रोध आ गया। बोले तुम्हारे गुरु तुम्हारे घर आए हैं, तुम पैर फैला करके बैठे हो, जाओ तुम हाथी बन जाओ। तो गुरुजी का श्राप लगा तो हाथी बने। अब क्रोध में बार बार गुरुजी के पास जाकर के दंडवत प्रणाम करने लगे, गुरुदेव कृपा करो मैं हाथी बन जाऊं तो कोई बात नहीं, लेकिन हाथी शरीर में भी मुझे भगवत प्राप्ति करने का कुछ न कुछ ज्ञान होना चाहिए। तो भगवान कहने लगे, गुरुदेव कहने लगे कि तू हाथी भी बन जाएगा तो तुम्हें अंतिम समय में बचाने के लिए भगवान स्वयं नारायण आएंगे और तुम्हारा उद्धार करके तुम्हें हमेशा के लिए वैकुंठ प्राप्त करा देंगे। प्रेम से कहिए श्री राधे। और ये ग्राह कौन था महाराज? ये ग्राह है पूर्व जन्म में एक गंधर्व था। एक बार देवल ऋषि नदी में खड़े होकर के तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते समय हाहा नाम का जो गंधर्व था वो जाकर के देवल ऋषि के चरण को पकड़ा। देवल ऋषि अचानक घबरा गए, बोल कोई जलचर आ गया है। और अब ये खड़ा होकर हंसने लगा तो कहने लगे जाओ तुम छिप करके मेरे पैर पकड़े हो, तुम जाओ ग्राह बन जाओ। उसने देवल ऋषि से क्षमा याचना मांगी तो देवल ऋषि ने कहा कि तुम्हें साक्षात भगवान नारायण वैकुंठ नाथ आकर के तुम्हारा उद्धार कर देंगे। तो ऋषियों का क्रोध भी बड़ा कल्याणकारी होता है। आज गज और ग्राह दोनों का प्रभु ने उद्धार किया है। जिसे तू अपना समझा है, जिसे तू अपना समझा है देख ले उनसे धोखा है। हरि भजले हरि भजने का मौका है। गजराज जब निढाल हो गया निस्तेज हो गया तो भगवान को पुकारा था ना। तो ऐसे ही अपना संसार है भाई, अपन जब तक काम करते रहेंगे तो परिवार समाज सब हमारा सम्मान करेगा, अंतिम समय में कोई भी साथ चलने वाले नहीं है। इसलिए भगवान का गुणानुवाद गाएं और जो रोज गजेंद्र स्तोत्र का पाठ करता है उसको अंतिम समय में भगवान नारायण स्वयं लेने के लिए आते हैं। तो अपन भी भाव के साथ में भगवान को थोड़ा पुकारें। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब
ग्रह है और गजराज की घटना अपने जीवन के सब लोगों पर घट रही है। सुखदेव मुनि कहते हैं, राजन ये गज और ग्रह की कथा तो अनंत काल के लोगों को काम आती रहेगी। गजराज जब अपने परिवार के साथ रहता था, सब उसकी सेवा किया करते थे, लेकिन जब अंतिम समय आता है तो जीव को कोई बचाता नहीं। जीव अकेला आता है, अकेला ही जाना पड़ता है। जैसा कर्म करता है उसके फलस्वरूप उस जीव को गति प्राप्त होती है। गज और ग्रह के सुंदर स्वरूप परीक्षित श्रवण करके कहने लगे कि परिवार में समाज में रहे तो कहां जाएंगे, उनपे साथ तो रहना ही पड़ेगा ना। तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन रहना तो पड़ेगा, लेकिन जैसे कमल पानी में रहता है लेकिन तैरता रहता है, डूबता नहीं। शरीर से परिवार में रहो, समाज में रहो। समुद्र में नौका तब तक सेफ है, सुरक्षित है, तब तक उस नौका में छेद ना हो। अगर एक छोटा सा भी छेद हो जाए तो नौका क्या पार कराएगी, धीरे धीरे पानी उसमें जमा हो जाएगा और नौका डूब जाएगी। ऐसे ही परिवार में समाज में रहें, लेकिन अपना मन जो है भगवान के चरणार्शित रखें, उसकी नौका, उसका जीवन कभी संसार में नहीं डूबेगा। इसलिए अपना सर्वस्व कृष्ण की ओर छोड़ देना, ये मन जो है इस मन के कहे कहे नहीं करना। ऐसे महाराज गज और ग्रह का सुंदर संवाद सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित को श्रवण कराया है। अंत में एक दिन समस्त देवता मिलकर के ब्रह्मदेव के पास, ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हे ब्रह्मदेव, ये दैत्य लोग इतने बलशाली हैं, हमको ठीक से रहने नहीं देते। हमने नारायण कवच का पाठ करके हमारे गुरुजी ने हमारे शरीर की रक्षा करने का मंत्र भी बताया है, फिर भी हम अपने शरीर को ठीक से नहीं रख पाते। देते लोग हम पर आक्रमण कर देते हैं। महाराज ब्रह्मा जी ने सुंदर उपदेश दिया कि देवताओं तुम घबराओ मत, तुम मिल करके, देवता और दैत्य मिल करके समुद्र का मंथन करो। समुद्र का मंथन करोगे तो उस समुद्र में से अमृत का कलश निकलेगा और वो अमृत कलश तुम पान करके सदा सदा के लिए अमर हो जाओ। देवता विचार करने लगे, महाराज देते लोग तो हमारे शत्रु हैं, उनके साथ में कैसी मित्रता करें। ब्रह्मा जी ने कहा कि हमेशा की मित्रता नहीं रखना है, थोड़े दिनों के लिए मित्रता बनाई रखना है। देवता लोग सब आकर के महाराज देत्यों का जो देवता है बलि राजा के पास जाते हैं और कहते हैं कि अरे बलि, हम आपस में दोनों देवता और दैत्य मिलकर के झगड़ा करते हैं। समुद्र के अंदर में अमृत का कलश है, अपन अमृत का पान करेंगे तो हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। तो बलि राजा ने समझा कि अपन भी अमृत का पान कर लेंगे तो हमारी सेना भी अमर हो जाएगी।
तो अब समुद्र का मंथन हो कैसे? ब्रह्मा जी ने पहले ही बताया था कि मंदराचल पर्वत की मथानी बनाना है। कौन सा पर्वत है? मंदराचल पर्वत। भगवान नारायण स्वयं आकर के मंदराचल पर्वत को उठाया है और समुद्र के अंदर में डाल दिया। वासुकी नाग की रस्सी बनाई, एक तरफ देवता हैं, एक तरफ दैत्य हैं। देवता लोग कहने लगे, अरे दैत्यो, एक तरफ की तुम पूंछ पकड़ लो सांप की, देखो कोई व्यक्ति अपन जो काम कहे वैसा नहीं करता है। घर में देखो माताएं अपने बच्चों को पढ़ने के लिए क्या तरीका आजमाती है, क्यों बालक खेलता रहता है, उसको ऐसे कहेंगे कि बेटा पढ़ाई कर, तो बोले नहीं नहीं मैं तो बाहर जाकर के आऊंगा थोड़ा। और उसकी माँ कहती है कि बेटा जाओ बाजार जाओ, थोड़ी सब्जी लेकर के आओ, थोड़ा ये काम करके आओ, तो वो क्या कहेगा? नहीं नहीं मैं तो पढ़ाई करूंगा। तो ऐसे ही देवताओं को सांप की पूंछ पकड़ाना था दैत्यों के, तो देवता लोग कहने लगे जाओ जाओ तुम पूंछ पकड़ लो। बोले पूंछ नहीं, हम तो सांप का मुख पकड़ेंगे, क्योंकि वो कहते वैसा काम नहीं करते थे। तो एक तरफ देवता सांप का मुख पकड़े हैं दैत्य लोग, और देवता लोग सांप की पूंछ पकड़ी है। मथानी तैयार हो गई, लेकिन मथानी इतनी भारी थी कि समुद्र के अंदर ही डूब गई। सब देवता कहने लगे प्रभु काय का मंथन करे, मथानी डूब गई। तो भगवान कूर्म अवतार लेते हैं और अपने मस्तक अपने पीठ के ऊपर में मंदराचल पर्वत को धारण करते हैं। बोले कूर्म भगवान की, उस पे धारण किया है। फिर मंथन होने लगा। जैसे ही मंथन हुआ तो सबसे पहले हलाहल विष निकला। विष के किसी को छींटा लगा तो किसी का हाथ जल गया, किसी का पैर जल गया। भगवान से कहने लगे प्रभु हो गया हमारा तो समुद्र का मंथन, किसी का हाथ जल गया, किसी का पैर जल गया, इसमें तो विष निकला है। तो प्रभु कहने लगे कि विष पान का अभ्यास तो भगवान शंकर को है, तुम शंकर जी को जाकर के प्रार्थना करो कि प्रभु आपके लिए समुद्र में मंथन निकला है, आप जाकर पान कर लो। तो समस्त देवता भगवान शंकर जी के पास गए हैं, माता पार्वती पास में बैठी है। सब देवताओं ने प्रार्थना की प्रभु समुद्र में विष निकला है, आप पान करो। तो शंकर जी आज थोड़ा पार्वती जी को सम्मान देते हैं कि देखो पार्वती जी, समस्त देवता मुझे विष पान करने को कह रहे हैं, तुम कहो तो कर लूं। या पार्वती जी थोड़ा सा विनोद की बात कही, अरे देवताओं तुम बड़े स्वार्थी हो, अच्छी कोई वस्तु निकलेगी तो स्वयं ले लोगे, और विष निकला तो भगवान शंकर को बुलाने आए हैं, क्या तुम्हें मेरा ही पति मिला? सब देवता उदास हो गए। माता पार्वती विचार करने लगी इन देवताओं का काम बन जाएगा, अब रोज इनको तो अभ्यास है भांग धतूरा का पान करते रहते हैं, अच्छा मेरे को दो चार दिन ठंडाई बनाना ना पड़ेगी। शंकर जी को कहने लगी जाओ आप पान कर लो, आपको कुछ नहीं होने वाला। तो आज शंकर जी समस्त देवताओं के साथ में समुद्र मंथन जहां हो रहा है वहां आकर के एक चुसड़की के अंदर में पूरा विष का पान कर जाते हैं। उस विष को अपने हृदय में नहीं लेकर के गए, ना मुख में रखा, अपने कंठों के बीच में उस विष को रखा है।
भगवान शंकर के कंठ नीले वर्ण के हो गए। बोले लीन कंठ भगवान की। ऐसे भगवान शंकर समुद्र मंथन देखने के लिए वहीं पर बैठे हैं। अब की बार मंथन हुआ तो उच्चेश्वर नाम का घोड़ा निकला है, वो दैत्यों ने ले लिया। फिर मंथन हुआ तो एरावत नाम का हाथी निकला, उस हाथी को देवताओं ने ले लिया। एक एक वस्तु निकलती, एक बार देवता एक बार दैत्य, ऐसे आपस में आदान प्रदान करते रहे। अब की बार तो मंथन किया तो एक मणि निकली और वो मणि इतनी तेजी से उछली कि भगवान जिस मथानी के पास में बैठे हैं, भगवान जैसे ही उस समय तक मणि को उछलते देखा तो भगवान ऊपर बैठे थे और उस मणि को अपने हाथ में पकड़ी और अपने गले में धारण कर ली। महाराज समस्त देवता और दैत्य ऊपर देखने लगे, ये मणि तो नीचे गिरी नहीं। तो भगवान कहने लगे कि हम भी मेहनत कर रहे हैं तो कुछ न कुछ हम भी तो लेंगे ना। भगवान ने कौस्तुभ मणि जो थी अपने गले में धारण की है। फिर मंथन हुआ, साक्षात भगवती लक्ष्मी निकली है। लक्ष्मी के हाथ में माला है। समस्त देवता और दैत्य आपस में विचार करने लगे कि यह किसको अपना पति बनाएगी। पहले दैत्यों की तरफ से भगवती लक्ष्मी गई है। समस्त दैत्य प्रसन्न होने लगे कि हमारे में किसी को किसी ने पहना देगी। लक्ष्मी जी विचार करने लगी, ये दैत्य बहुत क्रोधी स्वभाव के हैं, छोटी सी बात में इनको क्रोध आ जाता है, ऐसे क्रोधी व्यक्ति के पास मैं नहीं रहूंगी। आगे देवताओं के पास गई तो विचार करने लगी, ये देवता लोग सुंदर बहुत है लेकिन कामी ज्यादा हैं, ऐसे कामी पुरुष का मैं संग नहीं करूंगी। समस्त देवताओं और दैत्यों को छोड़ करके आज भगवती लक्ष्मी भगवान नारायण के पास पहुंची है। भगवान नारायण पर्वत के ऊपर बैठे हैं और भगवती लक्ष्मी जाकर के नारायण के गले के अंदर में माला पहना देती है। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। बोल लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण।
हरि भगवान की जय। आज प्रभु लक्ष्मी नारायण बने हैं, फिर समुद्र मंथन का काम आगे चलने लगा है। दैत्यों ने सोचा कि एक बार घोड़ा पाया, सभी देवताओं को मिल गया, दैत्यों को मिल गया, अब की बार जो द्रव्य निकलेगा हम लेंगे, अब की बार मदिरा निकली तो वो दैत्यों ने ले ली है। फिर समुद्र मंथन आगे हुआ तो अब की बार भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए हैं। दैत्यों ने वह घड़ा छीन करके दौड़ पड़े वहां से, देवता दुखी होने लगे, भगवान की शरण में जाकर कहने लगे प्रभु हमारे में शक्ति नहीं थी और दैत्यों ने अमृत कलश हमसे छीन करके ले गए हैं। आपस में झगड़े के कारण हमें अमृत नहीं मिल पाया प्रभु, जिसके घर में इन दैत्यों की भांति घर में रोज क्लेश होते हैं, उस घर में किसी को भी ज्ञान अमृत और भक्ति अमृत का पान करने को नहीं प्राप्त होता है। झगड़ते हुए दैत्यों के समूह के बीच में भगवान आज मोहिनी स्वरूप धारण करके प्रकट होते हैं। भगवान के उस मोहिनी स्वरूप को देख करके समस्त दैत्य लोग चकरा जाते हैं। जो मोहिनी में आसक्त है उसे अमृत प्राप्त नहीं होता। संसार की प्रत्येक वस्तु में माया है, जिसको मोहिनी में मोह हो जाता है वह भगवान की अमृत कथा का पान नहीं श्रवण कर सकता। भगवान मोहिनी स्वरूप को देख करके समस्त दैत्य लोग भगवान के इस स्वरूप के पीछे पीछे दौड़ने लगे हैं। सांसारिक पदार्थ में मन जैसे फंस जाता है वैसे ही समस्त दैत्यों का मन भगवान के मोहिनी स्वरूप के अंदर में फंस गया है, उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे और भगवान मोहिनी स्वरूप में कहने लगे अरे दैत्यो, तुम्हारे पास में जो ये अमृत का कलश है कहां से लेकर के आए? तो समस्त दैत्य लोग कहने लगे हमने समुद्र में मंथन किया है और ये अमृत का कलश निकला है, आप अपने हाथों से बांट दो। तो भगवान मोहिनी स्वरूप में कहने लगे कि मैं भोली भाली अबला नारी हूं, इस घने जंगल के अंदर में समस्त दैत्य तुम्हारी क्या रचना है मुझे क्या मालूम। तो समस्त दैत्य भगवान मोहिनी स्वरूप में आसक्त हो गए थे, कहने लगे कि देवी आप कहोगे वैसा हम कर लेंगे। तो देवी ने कहा कि तुम एक गोलाकार चक्र बना लो, इतना ही कहा ही था समस्त दैत्य देवता लोग वहां दौड़ते दौड़ते आ गए। देवता कहने लगे कि इस अमृत कलश में हमारा भी हिस्सा है, हमारा हिस्सा है। तो भगवान मोहिनी स्वरूप में कहने लगे अरे दैत्यो क्या इनका भी हिस्सा है? तो दैत्यो ने देखा कि अपन मना कर देंगे तो अमृत का कलश इनके पास में ही है, कहीं फोड़ ना दे। इसलिए दैत्य लोग कहने लगे कि हाँ हाँ इनका भी हिस्सा है। तो भगवान कहने लगे कि तुम एक गोलाकार चक्र बना लो, मैं तुम सबको थोड़ा थोड़ा अमृत कलश का पान अमृत बांट दूंगी। तो एक तरफ दैत्य लोग बैठे हैं, एक तरफ देवता बैठे हैं। तो भगवान मोहिनी स्वरूप में समस्त दैत्यों को कहने लगे कि अरे दैत्यो ऊपर ऊपर जो अमृत का पानी है ये तो मैं देवताओं को पिला दूंगी और जो नीचे गाढ़ा अमृत है उसका पान तुम्हें करा दूंगी। तो दैत्य लोग खुश हो गए और भगवान धीरे धीरे अमृत को बांटने लगे, वितरण करने लगे हैं। समस्त देवताओं को अमृत का पान करा दिया, थोड़ा सा अमृत बचा था तो एक दैत्य को मालूम पड़ा
कि अमृत कलश में अमृत तो बचा ही नहीं है, तो देवताओं के मध्य में एक राक्षस आकर के बैठ गया। भगवान अमृत बांट रहे हैं तो सोचा कि पंक्ति भेद करना ठीक नहीं है, तो अमृत का तो पान कराया, लेकिन भगवान के हाथ से चक्रराज सुदर्शन उसी समय छूट गया और उस दैत्य की गर्दन काटती। वो ही राहु और केतु के रूप में विख्यात हुआ और भगवान ने समस्त देवताओं को अमृत का पान करा दिया और जो अमृत का जो कलश था उसको आकाश में उड़ा दिया। समस्त देवते लोग कहने लगे ये तो हमारे साथ धोखा हुआ है। तो भगवान कहने लगे तुमने कौन सी ईमानदारी की, तुमने भी देवताओं से छीन करके लाए ना। समस्त देवते लोग उदास होकर के अपने यथा स्थान चले गए। भगवान शंकर जी आकर कहने लगे कि प्रभु हम तो समुद्र मंथन देख रहे थे, आपके सब लीलाओं को हमने देखा है, लेकिन आपके इस मोहनी स्वरूप का दर्शन नहीं किया, तो आप हमें एक बार आपके इस मोहनी स्वरूप का दर्शन हमें भी करा दो। तो भगवान नारायण ठाकुर जी कहने लगे कि शंकर जी ये मोहनी स्वरूप देखने योग्य नहीं है, ये तो ठगने योग्य है। लेकिन शंकर जी मानने वाले नहीं, बोले नहीं प्रभु मुझे तो आपके मोहनी स्वरूप का दर्शन कराओ। तो भगवान के वैकुंठ में जब शंकर जी गए थे तो वैकुंठ के सामने बहुत बड़ा बगीचा था। उस बगीचे के अंदर में एक सुंदर गेंद पड़ी है। शंकर जी वैकुंठ के दरवाजे के बाहर बैठे हैं, साथ में जगत जननी माता पार्वती जी भी हैं। भगवान नारायण ने देखा कि शंकर जी मानने वाले नहीं हैं। भगवान तो ऐसा नाटक किया कि वैकुंठ के अंदर गए हैं और भगवान ने एक रूपवती कन्या स्वरूप धारण किया है और सामने जो बगीचा था उस बगीचे में एक गेंद का खेल खेलने लगे। शंकर जी ने उस कन्या को देखा, इतनी स्वरूपवती कन्या, पास में पार्वती जी बैठी थी उसको भी भूल गए और उस कन्या के पीछे पीछे दौड़ने लगे। कभी वो वृक्ष के पीछे छिप जाती तो शंकर जी उधर जाते, कभी उस वृक्ष को छोड़ करके दूसरे वृक्ष के पीछे छिपती तो शंकर जी उसको पकड़ने के लिए इधर उधर दौड़ने लगे। अंत में शंकर जी दौड़ करके उस कन्या का हाथ पकड़ा, उसी समय भगवान लक्ष्मी नारायण स्वरूप में प्रकट हो गए। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शंकर जी कहने लगे प्रभु आप ही थे क्या। बोले वो कन्या के रूप में मैं ही था शंकर जी, मैंने पहले ही आपको कहा था कि मोहनी स्वरूप भगवान को जिसको देखता है उसको ठग लेते हैं, ऐसे भगवान के मोहनी स्वरूप का दैत्यों को दर्शन दे करके अमृत कलश को छीन लेते हैं। श्री हरि भगवान की। ऐसे भगवान ने समुद्र मंथन की लीला का आपने सुंदर चरित्र श्रवण किया है, देवासुर संग्राम हुआ है, अब प्रभु एक दिन देवताओं की माता अदिति कश्यप ऋषि जी की बहुत सेवा की है। कश्यप ऋषि उनकी सेवा से प्रसन्न हो गए और कहने लगे देवी मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूं, तुम कुछ वर मांगो। तो अदिति ने अपने पति कश्यप से एक ही वर मांगा कि प्रभु ये समस्त दैत्य लोग मेरे पुत्रों को ठीक से रहने नहीं देते,
इसलिए मेरे गर्भ से ऐसा बालक का जन्म हो जाए कि समस्त दैत्य लोगों को पराजित कर दे। अब कश्यप ऋषि के ही संतान देवता हैं और कश्यप ऋषि की संतान ही दैत्य हैं, क्योंकि एक पत्नी दीति और एक पत्नी अदिति। अदिति के देवताओं का जन्म होता है और दैत्यों का जन्म दीति के होता है। तो कश्यप ऋषि कहने लगे, देवी मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न था, तुम्हें वर दिया हूं, तो ये वर तो तुम्हें मिलेगा, लेकिन इस वरदान का कुछ नियम सुन लो, जिसको कहते हैं पयोव्रत। जिस नारी के कोई संतान नहीं होती हो वो पयोव्रत का पालन करे तो उसके घर में अद्भुत संतान का जन्म होता है, भगवान का भक्त बनती है वो। तो ऐसे पयोव्रत की विधि बता रहे हैं कि देखो अदिति, फाल्गुन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के द्वादशी तक इस पयोव्रत को किया जाता है। केवल दुग्ध पान करके इस व्रत का उपवास करें, भगवान नारायण की सेवा करें, आराधना करेंगे तो उस नारी के कोई भगवान संबंधी कोई संत का जन्म होता है। तो आज कश्यप ऋषि जी ने जो बताया था उस नियम का पालन किया है, फाल्गुन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से लेकर के द्वादशी तक अदिति ने उपवास किया, भगवान नारायण की आराधना की है। महाराज भगवान नारायण आज माता अदिति के गर्भ का आश्रय लेते हैं और अदिति के गर्भ का आश्रय लेकर के प्रभु भगवान वामन स्वरूप धारण करके प्रकट होते हैं। बोले वामन भगवान की जय। समस्त देवता लोग आकर के वामन भगवान का सौंदर्य का दर्शन करते हैं, पुष्पों की वृष्टि करते हैं, भगवती सरस्वती आकर के भगवान वामन को माला देती है, शंकर भगवान आकर के मेखला पहनाई है, ब्रह्मा जी आकर के यज्ञोपवीत धारण करवाते हैं, कोई देवता आकर के भगवान को चरण पादुका दी है, कश्यप ऋषि ने कमंडलू दिया है। इस प्रकार से भगवान वामन का स्वागत किया है। अब भगवान वामन अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं, अदिति को प्रणाम किया है, माता अदिति ने थोड़ी भिक्षा दी है और माँ से कहने लगे कि माँ मैं अपने भाइयों को किस प्रकार विजय दिलाता हूँ, क्योंकि जब तक दैत्यों का गुरु प्रबल रहेगा तब तक मैं अपने भाइयों को विजय नहीं दिला सकता, तो आज प्रभु विजय दिलाने के लिए वामन स्वरूप का धारण करके अपने माता पिता की आज्ञा लेकर के हाथ में माला है, कमंडलू है, महाराज बलि के यहाँ दरवाजे पे पहुंचे हैं, बलि बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, 100 अश्वमेध यज्ञ होने वाले हैं। तो किसी ने दौड़ करके सूचना दी है, अरे राजा बलि आज तुमने इतने यज्ञ किए हैं, शायद तुम्हारे यज्ञ का फल स्वरूप आज तुम्हारे यज्ञ मंडप के द्वार पर एक सुंदर बालक आया है। ऐसा लगता है कि वह बालक साक्षात नारायण ही है, तुम जाकर के उसका स्वागत करो। तो बलि महाराज उस बालक का स्वागत करने के लिए अपने यज्ञ मंडप से खड़े होकर दौड़ करके वामन भगवान का स्वागत करने के लिए जाते हैं और अपने यज्ञ मंडप के द्वार पे जहां यज्ञ हो रहा था उस वेदी के पास लाकर के भगवान वामन को दंडवत प्रणाम करते हुए कहते हैं कि आज मुझे ऐसा लगता है कि मैं 100 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण कर लिए हैं,
आपके इस स्वरूप को देख करके मेरे जन्म जन्मांतर के जितने यज्ञ किए हैं वह आज सफल हो गए हैं। महाराज बलि अति प्रसन्न है और उस बालक के उस दृश्य को देख करके कह रहे हैं कि आप हमसे कुछ मांग लो। शुक्राचार्य जी यज्ञ करवा रहे हैं, भगवान वामन के इस दिव्य स्वरूप को देखकर कहने लगे कि अरे बलि, ये कोई साधारण बालक नहीं है, इसको कोई वचन देना है तो सोच समझ करके देना। बलि महाराज कहते हैं कि गुरुदेव, मेरे द्वार से आज तक कोई खाली हाथ नहीं लौटा है, ऐसा सुंदर विप्र बालक मेरे द्वार पे आया है, जो मांगेगा सो मैं देऊंगा। शुक्राचार्य जी बार बार मना कर रहे हैं लेकिन आज बलि महाराज मानने को तैयार नहीं। वामन भगवान कहते हैं कि तुम संकल्प करो बलि। शुक्राचार्य से डांट पड़ने लगी और शुक्राचार्य जी कहने लगे कि अरे बलि, ये कोई साधारण विप्र बालक नहीं है, ये साक्षात नारायण लग रहा है। तो बलि कहता है कि अगर साक्षात नारायण ही है तो मेरे संसार में मैं क्या लेकर आया था, सब नारायण को समर्पित हो जाएगा। महाराज गुरुदेव नाराज हो गए और जैसे ही बलि महाराज संकल्प करने लगे तो पानी की जो टोंटी है उसमें जाकर के बैठ गए। भगवान वामन ने अपने आसन का एक तिनका निकाला और उस टोंटी में डाला तो शुक्राचार्य की एक आंख गोविंदाय नमो नमः। जो कोई शुभ कार्य करते हैं उसमें कोई अपनी टांग डालता है तो उसकी एक आंख गोविंदाय नमो नमः हो जाती। शुभ कार्य के अंदर में कोई विघ्न नहीं डालना। आज शुक्राचार्य जी दौड़ करके चले हैं, बलि महाराज संकल्प करने लगे। संकल्प के अंदर में केवल तीन पैर भूमि मांग रहे तो बलि कहते हैं कि महाराज मैं अपने तीन पैर भूमि दे दूं। वामन भगवान कहते हैं नहीं नहीं, मैं अपने पैरों से भूमि को नापूंगा। बलि महाराज कहते हैं ठीक है। अब जैसे ही तीन पैर भूमि का संकल्प लेकर के पृथ्वी के ऊपर में छोड़ा, उसी समय भगवान वामन से विराट होने लगे और एक ही पैर में समस्त भूमंडल को नाप लिया, रसातल को नाप लिया। कहने लगे बलि, अब तीसरा पैर कहां रखूं? तो बलि महाराज कहते हैं प्रभु आप नाराज क्यों होते हो? जो व्यक्ति वस्तु का दान करता है वो तो उससे अलग होती है ना। तो वामन भगवान कहते हैं वो तो अलग है, तो प्रभु आप नाराज मत हो, आप अपना तीसरा चरण मेरे मस्तक के ऊपर धारण कर लो। जैसे भगवान वामन बलि राजा के मस्तक पर तीसरा पैर धारण करते हैं, राजा बलि बड़े प्रसन्न हो जाते हैं कि यह चरण किसी को मिलता नहीं है, प्रभु ने आज मेरे मस्तक पर चरण प्रहार किया है, चरण रखा है। तो आप इस झांकी का दर्शन करें और भगवान वामन आपके मध्य में आएंगे तो इस झांकी का दर्शन करें और वामन भगवान का दर्शन करके अपनी इच्छा से भेंट पात्र में डालते रहें। और समय का भाव कम है तो आप जल्दी जल्दी वामन भगवान शीघ्रता से आएंगे और कथाक्रम को आगे बढ़ाना है। तेरे द्वार खड़ा भगवान हो, तेरे
भर दे रे झोले, आ भगत भर दे रे झोले, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोले, भगत भर दे रे झोले, तेरा हो